हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझलो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। वापस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस सीरीज़ में हम लोग फूड न्यूट्रिशन का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट अच्छी तरह से कम्प्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से जा करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपके सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसकी हिंदी होती है खाद्य पोषण और स्वच्छता का सिलेबस जोड़ा गया है, वो चाहे वो BA हो, BSc हो, BCOM हो, फर्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी टोटल हम 1000 क्वेश्चनों के इम्पॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं। इसके अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है जिसमें हर वीडियो में 50 क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। तो देरी न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर अभी नए व्यूवर्स हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो 101 नंबर है, इसके पहले टोटल हमने 100 क्वेश्चन करा दिए थे। 101 नंबर है, आप पोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो कौन है। चार ऑप्शन है आपके सामने, फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट, फर्मेंट फूड या फर्टिफाइड फूड। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फूड एडिटिव, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर कर दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री PDF है, तो आप लोग PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ओके, अपोषणी का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपोषणी को समझने से पहले हम लोग समझेंगे पोषणी का अर्थ क्या होता है। पोषणी का अर्थ होता है पोषण योग, यानी जिसका पोषण करना आवश्यक हो, यानी जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए पोषण, आप समझते हैं कि पोषण के लिए इस समय गवर्नमेंट काफ़ी प्रचार कर रही है कि हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में पोषण मिल सके। कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनसे हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो सके। ओके, तो उसे पोषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, मृद भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन या नियमित भोजन। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पष्ट द्रव भोजन, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है वो है स्पष्ट द्रव भोजन। दोस्तों स्पष्ट द्रव भोजन से ही हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल सकता, तो ये क्या है, अपर्याप्त है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। चार ऑप्शन है, विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य, पोषण। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोषण, तो द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषक चक्र में कितने चरण हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषक चक्र में कितने चरण हैं, 4, 7, 6, 8। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ओके, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं, 4। कौन कौन से हैं, एक है अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण और चौथा है बहिर्क्षेपण। ओके, तो टोटल कितने हैं, 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। चार ऑप्शन है, दबाव द्वारा पकने से, जिसे प्रेशर कुकिंग कहते हैं, भूनने से, उबालने से या फिर तलने से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उबालने से, तो सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पोषक तत्वों का धारण अधिक हो जाता है उसको उबालने से। ओके, तो दोस्तों पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो टोटल पोषक तत्व जो होते हैं वो 5-6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, ये आपके कौन से हैं, पोषक तत्व हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106,
बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है निद्रा, व्यायाम, पोषण, स्वच्छता। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सा, पोषण। ओके, तो जो पोषण चैप्टर है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, तो बताना है किस रूप में। चार ऑप्शन है, अच्छी और बुरी, अपर्याप्त, पर्याप्त, कुपोषित और अतिपोषित, अनुकूलतम और अल्पतम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द, अनुकूलतम और अल्पतम। पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, अनुकूलतम और अल्पतम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। भोजन में किण्वन से क्या बढ़ता है, भोजन में किण्वन से क्या बढ़ता है, पाचनशीलता, कैल्शियम या विटामिन, कुल प्रोटीन। चार ऑप्शन है, बताना है आपको। तो किण्वन होता क्या है, ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है। तो इससे क्या बढ़ता है, पाचनशीलता बढ़ता है। तो आ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, किण्वन से क्या बढ़ता है, पाचनशीलता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई, चार खाद्य वर्ग, पांच खाद्य वर्ग, सात खाद्य वर्ग या फिर 11 खाद्य वर्ग। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 खाद्य वर्ग। तो द आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर एम स्वामीनाथन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई, तो 11 खाद्य वर्ग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। किसी उत्पाद पर MRP से क्या अभिप्राय है, यानी कोई भी प्रोडक्ट है या उत्पाद है, ओके, उस पर जो MRP लिखा होता है उससे क्या अभिप्राय है। तो चार ऑप्शन है, बताना है। पहला है न्यूनतम फुटकर मूल्य, दूसरा अधिकतम फुटकर मूल्य और तीसरा सूक्ष्म फुटकर मूल्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अधिकतम फुटकर मूल्य। ओके, तो बा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जो MRP दिया होगा किसी उत्पाद पर तो उससे ज़्यादा रेट पर आप नहीं बेच सकते। अगर उससे ज़्यादा रेट पर आप बेचेंगे तो कोई भी खरीदार जो होगा या कस्टमर होगा वो आपके खिलाफ केस भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको MRP से कम पर बेच सकते हैं, बट उससे ज़्यादा, उससे अधिक पैसे लेकर के नहीं बेच सकते। ये MRP का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती, चार ऑप्शन है, 24 घंटे बाद विधि, उम्र के अनुसार लंबाई, जैव रासायनिक विधि या रचना विधि। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा रचना विधि। तो द आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं इसके पहले वाले पार्ट 2 में शायद करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में स्थानांतरण कहलाता है, आत्मसात्करण, आधारी चयापचय, पाचन, आहारिकी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बा, आधारी चयापचय। क्वेश्चन नंबर 112 है कि अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में स्थानांतरण कहलाता है। चार ऑप्शन है, आत्मसात्करण, ब आधारी चयापचय, स पाचन और द आहारिकी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब, आधारी चयापचय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है मुंह में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत में। तो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है छोटी आंत में, याद रखिएगा सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ग्लूकोज, माल्टोज, सेलुलोज या लैक्टोज। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज। तो आ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली कौन सी शर्करा है, ग्लूकोज। तो आ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115।
शहद में मुख्यतः होते हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो शहद में क्या होते हैं ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, तो वह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वसा। तो सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर या ग्लाइकोजन। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसमें, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द, ग्लाइकोजन। तो द आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। भोजन का अनिवार्य अवयव है, भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, मानव शरीर में ईंधन का काम करता है प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो मानव शरीर में जो ईंधन का काम करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो आ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, स्टार्च का, सेलुलोज का या अंडे के छिलके। तो जो कैप्सूल का आवरण बना होता है वो है स्टार्च का। तो ब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रक्टोज। तो आ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य को करने के बाद पेशियों में थकान उत्पन्न होती है, यह किसकी वजह से होती है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, विटामिन, लैक्टिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द, लैक्टिक एसिड। तो द आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। ऊतकों का निर्माण होता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोज, वसा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। एंजाइम बने होते हैं, वसा, कार्बोज, प्रोटीन, रेसा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सा, प्रोटीन के। ओके, तो एंजाइम बने होते हैं किससे, प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, आरएनए, डीएनए या एंजाइम, प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सा, एंजाइम। ओके, उसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोज। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आ, विटामिन। ओके, तो आ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, विटामिन को। ओके, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यकृत, तिली, अमाशय, उदर। किसमें विटामिन ए संचित रहता है, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आ, यकृत में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 129 नंबर। थायमीन, थायमीन है विटामिन बी टू, वसा, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी वन। तो बताना है कि थायमीन क्या है। ओके, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी वन। विटामिन बी वन को थायमिन बोला जाता है, ठीक, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है विटामिन बी 12, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए।
देखिए जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 है, तो आ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जो कि हम सभी पार्ट में धीरे धीरे कवर कर देंगे। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 131, संक्रामक रोग फैल सकते हैं वायु, जल, भोजन, उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। तो संक्रामक रोग जो होते हैं वो वायु से भी फैल सकते हैं, जल से भी और भोजन से भी फैल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, चेचक के रूप हैं बड़ी व छोटी चेचक, मायो चेचक, हैचा, खसरा चेचक। तो चेचक के रूप कौन से हैं ये बताना है आपको, बड़ी व छोटी चेचक, मायो चेचक, हैचा या खसरा चेचक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आ, बड़ी व छोटी चेचक, तो आ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, पसीना हमारे त्वचा से बाहर आता है बालों द्वारा, ऊतकों द्वारा, रोएं द्वारा या छिद्रों द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छिद्रों के द्वारा, पसीना हमारे त्वचा से बाहर आता है छिद्रों के द्वारा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, हैजा रोग फैलने का कारण है खटमल, मक्खी, पिस्सू या मच्छर। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब, ओके, मक्खी। हैजा रोग फैलने का कारण है मक्खी। अगला क्वेश्चन आता है 135 नंबर, क्षय रोग फैलने का माध्यम है जल द्वारा, छूने से, वायु द्वारा या कपड़े गंदे से। देखिए जो क्षय रोग होता है जिसे टीबी भी बोला जाता है वो किसके द्वारा फैलता है, वो वायु द्वारा फैलता है, ओके, किससे, वायु द्वारा फैलता है, ज़्यादातर वायु द्वारा ही फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, टाइफाइड रोग और किस नाम से जाना जाता है, मियादी बुखार, हैजा, चेचक, डायरिया। तो टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है ना, मतलब जो बुखार जल्दी जाता नहीं उसे टाइफाइड बोला जाता है, या हिंदी में कहें तो मियादी बुखार बोला जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, सलमोनीला टाइफी नामक जीवाणु रोग फैलते हैं मिर्गी, हैजा, चेचक, टाइफाइड से। तो किससे फैलते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइफाइड से, तो द आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 138 नंबर, चेचक रोग कौन सा जीवाणु फैलाता है, विब्रियो कॉलरा, वेरियोला, माइक्रोबैक्टीरियम या वैसाइलस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बा, वेरियोला, तो बा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, जल व भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलने वाले रोग पेचिस के मुख्य लक्षण हैं। तो जो पेचिस होता है ज़्यादातर ये जल और जल के माध्यम से ज़्यादा ही फैलता है, तो इसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि मल के साथ जो रक्त आता है उससे भी ये पेचिस वाली बीमारी हो जाती है, आँतों में दर्द से, आँतों में मरोड़न से, ये सारी बीमारियाँ जो होती हैं पेचिस की वगैरह से ही होती हैं, ठीक है, तो द आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन खनिज कणों के रूप में मिट्टी के भीतर पहुंचाई जाती है, जानवर, मनुष्य, जीवाणु, पेड़। तो जो नाइट्रोजन पहुंचाई जाती है खनिज कणों को मिट्टी के भीतर, उस किसके द्वारा पहुंचाई जाती है ये पूछा जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा पहुँचाई जाती है, किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, तो सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अशुद्ध, हल्की, शुद्ध, भारी। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल अशुद्ध गैस है, ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध में ऑक्सीजन पता ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, बेचैनी वह स्थिति है जिसमें शरीर में सामान्य रूप से कार्य करने की स्थिति बिगड़ जाती है। चार ऑप्शन है, रोग, निद्रा, बेहोशी, तनाव। देखिए रोग के द्वारा बेचैनी की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे शरीर की कार्य करने की क्षमता सही नहीं रहती, तो आ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, संक्रामक रोग कौन से हैं, हैजा,
पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये सभी। तो चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी, हैजा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, तो द आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है गठिया, उच्च रक्तदाब, कैंसर, ये सभी। गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है गठिया, उच्च रक्तदाब, कैंसर, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। ओके, गठिया, उच्च रक्तदाब, कैंसर, ये सभी गैर संक्रामक रोग के उदाहरण है, तो द आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है रोगाणु फैलने के माध्यम है, रोगाणु फैलने के माध्यम है वायु, मक्खी मच्छर, संपर्क, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी, वायु द्वारा, मक्खी मच्छर, संपर्क के द्वारा रोगाणु फैलते हैं, तो द आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 वह रोगाणु जिससे हम प्रदूषित कहते हैं उनमें उपस्थित होते हैं पानी, रोगाणु, नमी, ताप। तो वह रोगाणु जिससे हम प्रदूषित कहते हैं उनमें क्या उपस्थित होते हैं, वो होते हैं रोगाणु, तो ब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 147 नंबर वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने की सामर्थ्य हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सुगंधित आहार, संतुलित आहार, स्वास्थ्य आहार, तरल आहार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब संतुलित आहार, तो ब आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर भोजन का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है रोग उत्पन्न करना, आवसा दोनों, ताप नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं, तो स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ताप नियंत्रण। भोजन का एक महत्वपूर्ण यह भी कार्य है कि ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 WHO का पूरा नाम है, इसको तो हम कई बार बता चुके हैं, जो पर्यावरण के हमारी वीडियो हैं आपने देखा होगा, तो उनमें हम इसको कई बार चर्चा कर चुके हैं, टोटल लगभग 45 से अधिक वीडियो हमारे पर्यावरण के पड़े हुए हैं, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो ये सभी को आना चाहिए। कमेंट में फटाफट इसका पूरा नाम आप लिख दीजिए, ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैलो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन या वैलो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 निम्न में से कौन से संतुलित आहार के अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन से संतुलित आहार के अवयव हैं, विटामिन व खनिज, प्रोटीन, कैलोरी, ये सभी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द, ये सभी। ओके, संतुलित आहार के अवयव विटामिन व खनिज, प्रोटीन, कैलोरी, मतलब जो हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखे वो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की भी, कैलोरी की भी, विटामिन के भी और खनिज के भी। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा द, यानी तीनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है एक पोषक शरीर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कवर कर लिया है, इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं तीन वीडियो में। अब नेक्स्ट पार्ट आने वाला है चौथा, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन होंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।